नमस्कार, मैं दीपाली, आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ। देखते हैं आज का दिन यानी कि 23 दिसंबर 2023 कैसा जाने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। चलिए बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों, आपके लिए परिस्थिति सर्वोत्तम रहेगी। आज का दिन आपके लिए कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटी प्रोफेशनली लेकर आ सकता है। परिवार के साथ स्थिरता बनी रहेगी, कुछ नया करने की सोच सकते हैं। अपने और अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने की कुछ प्लान कर सकते हैं और ये प्लानिंग आपके आने वाले कल को संवार सकती है। यानी कि आज के दिन आप थोड़ा सा अगर चाहें तो अपना टाइम ऑफ ले सकते हैं, परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। आपके द्वारा लिया गया यह निर्णय आज के दिन आपको फाइनेंशियली भी रिलीफ करके जा सकता है। आज के दिन परिवार के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो सकती है और इन टोटैलिटी में आज के दिन आप अपने जीवन में चल रहे किसी स्ट्रेस से रिलीफ हो सकते हैं। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों, आपकी सिचुएशन आज के दिन और पॉजिटिव होती हुई नज़र आएगी। कार्य क्षेत्र के संदर्भ में आज के दिन आपको प्रमोशन की कहीं ना कहीं से कुछ एक्नॉलेजमेंट अगर आपको मिल रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कुछ सपोर्ट किसी व्यक्ति का मिल रहा है, कोई सूचना मिल रही है जो आपके इजाफा कर सकता है आपके प्रोफेशनल कद में। उस सिचुएशन को या उस परिस्थिति को आपको समझना चाहिए और सोच समझ कर उसको एक्सेप्ट करना चाहिए या उसकी एनालिसिस करनी चाहिए या एक्नॉलेज करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि प्रोफेशनली ग्रोथ के आयाम, चाहे आपकी जॉब चेंज करने के संदर्भ में हो, चाहे आपके एग्जिस्टिंग जॉब में प्रमोशन से हो, अगर आपका निजी व्यवसाय भी है उसमें भी अगर आप व्यवसाय के विस्तार के संदर्भ में कोई भी इंफॉर्मेशन आज के दिन मिलती है तो उसे एक्सप्लोर करना बनता है। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। आपके लिए मिथुन राशि वालों, आज के दिन सब तरफ से पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। रिश्तों में उतार चढ़ाव आज के दिन थोड़ा सा आपको विचलित करके जा सकता है, इसलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करें। परिवार के किसी वृद्धतम सदस्य के स्वास्थ्य के प्रति आज के दिन सचेत रहने की ज़रूरत है। आज के दिन आपके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय आपके और आपके परिवार के कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी ला सकता है। परिवार के साथ बिताया गया समय आपको आगे आने वाले समय के लिए और ज़्यादा स्ट्रेंथन करके भी जा सकता है। साथ ही साथ प्रोफेशनली चीज़ें जैसी चल रही हैं चलती रहेंगी, उसमें कुछ खास उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, आपकी सिचुएशंस आज के दिन पॉजिटिव रहेंगी। मन आपका शांत रहेगा, विचारधाराएं आपकी प्रबल रहेंगी, लोग आपके काम की तारीफ करते हुए नजर आएंगे। लंबे समय से चल रहा कोई पारिवारिक तनाव या ऋण अब साझा होता हुआ नज़र आएगा। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आएंगी, लोग आपके काम की तारीफ़ करेंगे। कुल मिला के आज का दिन सोच समझ कर आप बिताएंगे तो आपको सब तरफ से शुभ संकेत देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए पॉजिटिविटी से भरा हो सकता है। आज के दिन आपके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय खास तौर पे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर आपके सिचुएशन को और पॉजिटिव करके जा सकता है। साथ ही साथ आज के दिन आप अपने और अपने परिवार के लिए कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। चेंज ऑफ सिटी हो सकता है, चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, चेंज ऑफ कंट्री हो सकता है, अब्रॉड सेटलमेंट के लिए अगर आप सोच रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ आप कर सकते हैं जो इन टोटैलिटी परिवार के लिए भी एक कलेक्टिव डिसीजन अगर लिया जाए तो अच्छा माना जा सकता है। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, आपकी सिचुएशंस आज के दिन पॉजिटिव रहेंगी, मन आपका शांत रहेगा, नेगेटिविटी से आज के दिन आप अपने आप को निकाल पाएंगे। साथ ही साथ लंबे समय से चल रहा कोई भी तनाव जो आपका निजी तनाव हो सकता है वो आप ख़त्म ऑलमोस्ट हो चुका है, क्योंकि आपने कोई टफ डिसीजन लिया है। इसको आप पहले भी ले सकते थे लेकिन अब जो आपने स्थिरता बना के आप चल रहे हैं, मैं कहूँगी इसी पर स्थिर रहिए, आगे बढ़ते चलिए। कम्युनिकेशन को क्लियर रखना है रिलेशनशिप में, चाहे वो आज के दिन आपके प्रोफेशनल मैटर्स हों या पर्सनल मैटर हो। आज के दिन किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग को ना आगे आने दें। चीज़ों को शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करें। चीज़ों को जिस तरह से बोला गया है वैसे ही लें, उसको अन्यथा लेने की गलती ना करें। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। आपके लिए तुला राशि वालों, आज के दिन पॉजिटिविटी बनी रहेगी, मन आपका शांत रहेगा, विचारधाराएं प्रबल रहेंगी। सामान्यतः आज का दिन जाएगा कुछ खास उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। आज आप अपने लिए कुछ ना कुछ नया कर पाएंगे, अपने लिए समय निकाल पाएंगे, खास तौर पे सेकंड हाफ के दौरान। लेकिन आपको थोड़ा सा हैवीनेस इन दी हेड या कुछ ना कुछ बैक ऑफ योर हेड या सबकॉन्शियस माइंड में कोई ना कोई टेंशन या स्ट्रेस चलता रहेगा, लेकिन यकीन मानिए उसका सलूशन आप ही के पास है। वो स्ट्रेस आपके फाइनेंसिस को लेकर हो सकता है, वो स्ट्रेस आपके परिवार में किसी परिस्थिति को लेकर हो सकता है, लेकिन सोल्यूशन आपके हाथ में है, बस आपको वो आज के दिन एक्सप्लोर करना है या ढूंढना है।
बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं, मन आपका शांत है, साथ ही साथ कॉन्फिडेंस लेवल में भी इजाफा है। लंबे समय से अगर आप किसी कार्य की पूर्ति के लिए लगे हुए थे, प्रोफेशनली किसी आयाम को आप पाना चाह रहे थे, साथ ही साथ आज के दिन जो लोग नौकरी चेंज करने के इच्छुक थे, कंट्री के बाहर सेटल होना चाह रहे थे, कुछ भी अरेंजमेंट करना चाह रहे थे जो फाइनेंसेस से या प्रोफेशनली या बिजनेस से रिलेटेड था, तो अब वो सिचुएशंस आपकी क्लैरिटी के साथ आगे मूव करेंगी, कॉन्फिडेंस लेवल में इजाफा होगा। साथ ही साथ आज के दिन आपको कोई व्यक्ति विशेष मिलेगा जो अपने महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस या दिशा निर्देश से आपको इस सिचुएशन से निकाल सकता है। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों, आज की सिचुएशंस देखो तो आज के लिए आपका दिन बहुत बढ़िया जाएगा। कुछ खास उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। चीज़ें जैसी चल रही हैं उसको वैसे चलाइए, क्योंकि उसमें कोई खास तनाव है नहीं। आपने अपने लिए काफ़ी अच्छी परिस्थिति पहले से क्रिएट कर ली है। साथ ही साथ आज के दिन आपको आपके परिवार का सपोर्ट मिलता रहेगा। कोई गेट टुगेदर हो सकती है या आपके लिए परिवार के साथ ट्रैवलिंग इंडिकेटेड है। ये ट्रैवलिंग आपके स्ट्रेस को कम करती हुई जाएगी, लेकिन आज के दिन आपको चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी है। ऑर्गेनाइज करके चलेंगे तो आप अपने जीवन में चल रही किसी भी तनाव से अपने आप को मुक्त कर पाएंगे। साथ ही साथ आज के दिन प्राथमिकताओं को अलाइन करने की ज़रूरत है, चाहे वो प्रोफेशनल मैटर्स में हो या पर्सनल। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों, आपकी सिचुएशंस बिल्कुल सही हैं, मन आपका शांत है। आज के दिन परिवार की तरफ से आपको सपोर्ट मिल सकता है। आप अपना स्थान परिवर्तन करने के लिए, चेंज ऑफ प्लेस करने के लिए, ऑफिशियल भी अगर मैं सिचुएशन देखूं, कुछ ना कुछ ऑफिशियली भी आपके लिए चेंज हो सकता है। ये चेंज बेहतर होगा। लोकेशन आपकी डिफरेंट हो सकती है, किसी डिफरेंट सिटी से आप ऑपरेट कर सकते हैं। बिजनेस अगर आपका निजी व्यवसाय है और आप उसका विस्तार करने की सोच रहे थे, तो आज के दिन आपको एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटीज़ भी देखने को मिलेंगी, जो कुल मिला के आपके जीवन में चल रहा फाइनेंशियल स्ट्रेस से आज के दिन आपको निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक साबित हो सकती है। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, आपके लिए सिचुएशंस पॉजिटिव हैं, मन आपका शांत है। लंबे समय से चल रहा कोई पारिवारिक तनाव साझा होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ आज के दिन आप उन सभी तथ्यों को अपने आप से अलग कर सकते हैं, जहां पर आपको लगता है कि आप विचारों में तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन जब एग्जीक्यूशन की बात आती है तो वहां पर गैप हो सकता है। तो आज के दिन उन सभी नेगेटिव एस्पेक्ट को आप अपने जीवन से निकालिए जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। प्रॉपर एनालिसिस आज के दिन सिचुएशन की करिए, जिससे कि आप अपने जीवन के निर्णय ले सकें और आगे बढ़ सकें। परिवार में स्थिरता बनी रहेगी, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं कम होती हुई नजर आएंगी। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। आपके लिए परिस्थितियां मीन राशि वालों अनुकूल रहेंगी, मन आपका शांत रहेगा, विचारधाराएं प्रबल रहेंगी, कॉन्फिडेंस में इजाफा होते हुए देखेंगे। कहीं ना कहीं कुछ आपके लिए क्रिएट हो रहा है, कुछ आपके लिए बन रहा है और ऑटोमेटिकली बन रहा है, और ये अपने आप में एक अच्छा संयोग है। कुछ ना कुछ आपने जो पहले पास में एफर्ट्स करके रखे थे, जो पहले मटेरियलाइज़ नहीं हुए, लेकिन अब समय आ गया जब वो मटेरियलाइज़ होते हुए आपको दिखाई देंगे। कार्य क्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में स्थिरता बनाने के साथ साथ आज के दिन आपके नेटवर्किंग में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा होते हुए देखेंगे। कुल मिला के आज का दिन लाभदायक प्रोफेशनली माना जा सकता है। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।